सिक्स स्टेट इंपॉर्टेंट है बेटा, टिब्यूल्स कॉल्ड एज इट्स प्रेजेंट जंक्शन ऑफ विच सीक्रेट्स, समझ आया? चलिए नेक्स्ट, ब्लड से सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ, जल्दी जल्दी में देखेंगे, दिस मच इज डन, आगे बढ़े फिर। अब नेक्स्ट जो हमारा एनाटॉमी में आएगा दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ, जल्दी जल्दी से भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। पौधरे ने त्रठा से बेमोज आज से ना मकलों में से तस्वीर मानता मेरे तो नेस्प शुकशियत क्लास जाना कि मुनीब नेस्प शुकशियत क्लास है सुन ली। चलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ शबाश कॉकरोच बेट, अब ऑलरेडी एक चीज आपको पता है बेट, हम पढ़ के रहे अभी, जल्दी जल्दी हम पढ़ के रहे अभी, ऑर्थो जल्दी ऑर्थो और सबको पता है बेटा ऑर्थो पढ़ा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, जल्दी बोलो शबाश ओपन, अरे याद है कि नहीं है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लियर है? So, अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो कुछ छोटी छोटी बातें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको ऑलरेडी पता है बेटा, आर्टरीज होती कि नहीं होती, जल्दी आर्टरीज होती कि नहीं होती, आर्ट्रियोल्स होते कि नहीं होते, वेन्यूल्स होते कि नहीं होते, वीन्स होती है कि नहीं होती, कैपिलरीज होती है कि नहीं होती, नहीं होती, क्लियर है? दूसरा, जब भी यहां से ब्लड निकलता है फ्रॉम हार्ट फ्रॉम आर्टरीज फ्रॉम आर्ट्रियोल्स बेटा, वो बॉडी के अंदर स्पेसेस में जाता है या सीलोम में जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं, क्लियर है ना? तो इधर मैं एक दो बातें लिख देता हूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज एब्सेंट है बेटा, है ना? और ब्लड कहां जाता है बेटा, फ्रॉम हार्ट टू द स्पेसेस, जिन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम साइनसेस बोलते हैं, क्लियर है ना? अब यहां पे एक चीज में एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूं जो आप याद रखना बेटा, अब इमेजिन करो, सुनना ध्यान से, अब इमेजिन कर लीजिए कि जिस साइनस में ये ब्लड जा रहा है बेटा वो सेगमेंटेड साइनस नहीं है, सुनना प्लीज ध्यान से, जिस साइनस में ये ब्लड जा रहा है वो सेगमेंटेड साइनस नहीं है, सेगमेंटेड साइनस से मेरा कहने का मतलब है मेटामेरिकली सेगमेंटेड साइनस, ये इमेजिन कर लो एक बार ध्यान से, आपके पास एक एनिमल है जिसके एनिमल की बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, और अगर ओपन है तो ब्लड बॉडी में फैलेगा बेटा, अगर बॉडी में वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड स्ट्रक्चर में फैल रहा है तो हर सेगमेंट का ब्लड क्या होगा, अलग अलग होगा, समझ लो ना? लेकिन इमेजिन कर लो कि बीच में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है बेटा, तो ये एकदम बोतल के जैसा हो जाएगा ना, कि पानी पूरी बोतल में एक समान मुंह कर रहा है बेटा, अरे समझ लो ना? तो इस बोतल की जो अंदर वाली जगह है जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं है बेटा, क्या मैं उसको सीलोम बोल सकता हूँ, जल्दी जल्दी, क्या मैं उसको सीलोम बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ऑल्दो मेटामेरिक सेगमेंटेड होगा तब भी सीलोम ही बोलेंगे, बट वहां पे मैं सीलोम वर्ड यूज नहीं करूंगा, रीजन कि हमने सीलोम को क्या कर दिया, छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया या डिवाइड कर दिया बेटा, लेकिन यहाँ कोई डिवीजन नहीं है ना, यहाँ मैं फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ साइनस एक्चुअल में क्या है, सीलोम है बेटा, अरे समझ आया ना? लेकिन ये सीलोम किससे भरा हुआ है, जल्दी जल्दी शबा किससे भरा हुआ है, तो ऐसे सीलोम को हम हीमोसील बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, अरे क्लियर हुआ? सो दैट मीन्स कॉकरोच का सीलोम कैसा है, जल्दी जल्दी, एक्चुअल में ट्रू सीलोम है बेटा, लेकिन इस ट्रू सीलोम को हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी शबा, हीमोसील, क्यों हीमोसील, बिकॉज इट इज ब्लड फिल्ड सीलोम, क्यों ब्लड फिल्ड सीलोम, बिकॉज यहां साइनस एग्जिस्ट, यहां साइनस के बदले पूरा सीलोम एग्जिस्ट करता है, नहीं समझ आया, जल्दी जल्दी समझ आया कि नहीं समझ आया? दूसरी चीज बेटा, जरा नजर रखे प्लीज ध्यान से, हाँ बोलो 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 शबा, फिर से बोलू, इधर देखो बेटा, डर के आगे जीत है, ठीक है ना? इधर देखो, ये मान के चलो, ये सुनना, ये मान के चलिए कॉकरोच है बेटा, ठीक है ना? ये इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, दिख रहा है ब्लड अंदर से? इमेजिन कर लो कि मैंने इस कॉकरोच या इस एनिमल की बॉडी के छोटे छोटे सेगमेंट्स कर दिए, और हर सेगमेंट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, कैसा बेटा? तो अगर ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है तो यहाँ पे बीच में सेगमेंट होगा, और उसने सेगमेंट वन को सेगमेंट टू से सेपरेट किया कि जोड़ा, सेपरेट किया, तो इस सेगमेंट का ब्लड अलग होगा, इस सेगमेंट का ब्लड, ऐसे केस में इसको साइनस बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? बिकॉज पूरा सीलोम एग्जिस्ट, बात समझ आई? लेकिन कॉकरोच में हम ऑलरेडी जानते बेटा ट्रू सीलोम है, यू सीलोम है बेटा, लेकिन सीलोम कैसा है, सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड, लेकिन सेगमेंटेड में कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड है बेटा, हेड का पूरा सीलोम अलग है, थोरेसिक का पूरा सीलोम अलग है, एब्डोमेन का पूरा सीलोम, ये तो समझ आ रहा है ना? अब यहाँ जो अंदर ब्लड है ना बेटा वो साइनस में है कि सीलोम में, मैं बोलूंगा दो मिनट के लिए साइनस में है, लेकिन ये साइनस बेटा क्या है, पूरा सीलोम ही है ना, यहाँ सीलोम एंड साइनस को आप कंपेरेटिवली यूज कर सकते हो बेटा, सीलोम ही साइनस है, साइनस ही, नहीं समझ आ रहा है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस बंदे की पूरी बॉडी के सीलोम में बेटा क्या भरा हुआ है, अरे समझ आया ना? सो दिस ब्लड फ्लूइड सीलोम इज कॉल्ड एज हीमोसील बेटा, आई होप नाउ करेक्ट, क्लियर हो गया, ये समझ आया ना? दूसरी चीज, अब इस सीलोम में क्या है बेटा, इस सीलोम में क्या है बेटा, जल्दी जल्दी शबाश, ब्लड है ना, आप सबको पता है बेटा कि जो, इतना ध्यान से, आप सबको पता है बेटा कि जो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं या जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनके ब्लड में आरबीसीज, जल्दी आरबीसीज, तो फिर इनके ब्लड के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन सीधे किसमें डिजॉल्व होता है, बोलो जल्दी जल्दी शबाश, किसमें डिजॉल्व होता है? तो सच टाइप ऑफ ब्लड बेटा, ठीक है, इन विच शबाश हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी बट इज डायरेक्टली डिजॉल्व इन द
इस टाइप ऑफ ब्लड को हम नाम देते हैं हीमोलिफोबेट। क्या नाम देते हैं? हीमोलिफोबेट। अरे क्लियर हुआ? अब इसको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों हीमोलिफ बोलते हैं इसका मैं आपको एक रीजन भी बोल सकता हूं। लिफ हमने पढ़ा हुआ है ना, लिफ क्या था बेटा? ब्लड विदाउट, समझ आया ना? तो मतलब अब इसको हीमोलिफ क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज हमारे लिफ में जो हमारा खुद का लिफ होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, समझ आया ना? वो जस्ट लिम्फ होता है विदाउट ब्लड, विदाउट आरबीसी एंड विदाउट हीमोग्लोबिन, बिकॉज हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है या प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन लिफ में, लेकिन यहां पे बेटा हमने इसी के अंदर क्या डाल दिया? हीमोग्लोबिन डाल दिया, लेकिन कंपोजिशन के बेसिस पे किसके जैसा है, इस वजह से क्या बोला गया? हीमोलिफ बोला गया। नहीं समझ आया? तो कॉकरोच के खून को क्या बोलेंगे? हीमोलिफ बोलेंगे। कॉकरोच के सीलूम को क्या बोलेंगे? हीमोसील। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बेटा? यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से कॉकरोच को दो नाम पड़े, क्या? हीमोसील एंड हीमोलिफ बेटा। आई होप ये क्लियर हो गया। क्लियर है ना? अब हीमोलिफ के अंदर बेटा यहाँ पे आरबीसी नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्या है? प्लाज्मा है, और आपके एनसीईआरटी में लिखा है हीमोसाइट्स है बेटा। हीमोसाइट्स यहाँ पे मतलब डब्ल्यूबीसी से है बेटा। याद आया लास्ट क्लास में मैंने लिखा था एमोबर्डल सेल्स, यहाँ पे लिखा गया हीमोसाइट्स। एमोबर्डल सेल ही हीमोसाइट है, हीमोसाइटी। तो इससे डरने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट चीज, अब आप पिक्चर पे आ जाओ बेटा, ठीक है ना? पिक्चर में आपको बंदे की पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, और ये जरा सुरख जाए, ये बीच में दिख रहा है येलो कलर का पूरा लाइन दिख रहा है, ये इसका हार्ट है बेटा। क्या है? तो आप मुझे इसको ध्यान से देख के बताइए कि कॉकरोच का हार्ट कहाँ है बेटा? वो उसकी बॉडी के सेंटर में है कि उसकी बॉडी के साइड में है? सेंटर में। तो मैं बोलूंगा मिड, बोलूंगा ना मिड बेटा। आप लास्ट क्लास में जब मैं शायद किसी का नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था आपको, मैंने वहां पे क्लियरली आपको बोला कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के नर्वस सिस्टम में दो बड़े डिफरेंसेस है। पहला बड़ा डिफरेंस कि कॉकरोच हो या कोई भी नॉन कॉर्डेट हो बेटा, उसमें नर्व कॉर्ड एक नहीं होता, बल्कि समझ आया ना? और कॉकरोच हो या कोई भी नॉन कॉर्डेट हो और एक कॉर्डेट हो बेटा, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिफरेंस है बेटा। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा आगे होता है, आगे से मेरा कहने का मतलब बेटा वेंट्रल साइड में होता है। हमारा हार्ट आगे है ना, तो हम बोलेंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? वेंट्रल। लेकिन इन बंदों का हार्ट या इन बंदों का सर्कुलेशन आगे, वो कहां होता है? तो मतलब जो हमारी बॉडी में आगे है वो उनकी बॉडी में पीछे, जो हमारी बॉडी में पीछे, बात समझ आया ना? तो जो आपको यहाँ ये हार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा लंबा लाइन जैसा हार्ट दिख रहा है, तो मुझे बता बेटा फिर ये डॉर्सल साइड में होगा कि वेंट्रल साइड में होगा? मैंने दो बातें कनेक्ट करी बेटा, मिड डॉर्सल, समझ आया ना? तो पहली बात तो यही याद रखेंगे कि कॉकरोच का जो हार्ट होता है बेटा वो नेचर में कैसा होता है? शिवाय मिड डॉर्सल होता है, समझ आया ना? ये क्लियर हुआ? और मिड डॉर्सल पोजिशन में बेटा ये हार्ट एक चैम्बर का बना है कि बहुत सारे चैम्बर का बना है? देख रहा 1 2 3 4, यहाँ आपके एनसाइड में 12 बने हैं, लेकिन एक्चुअल में 13 होते हैं बेटा। अरे समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? आपके एनसाइड में 12 चैम्बर्स बने अगर आप काउंटिंग करोगे पिक्चर में, लेकिन रियलिटी में कितने चैम्बर्स का होता है? 13। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉकरोच का जो हार्ट होता है बेटा, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता दिया, लेकिन अगर हार्ट अलग कर दे इसका, तो इसका हार्ट मिड डॉर्सल होता है और शबाश 13 चैम्बर्ड होता है बेटा, 13 चैम्बर्ड। ये क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी क्लियर हुआ ना? तो आपसे अगर पूछा जाए 13 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है, तो आंसर क्या आएगा? कॉकरोच का। This much is done. अब हमने एक चैम्बर को बाहर निकाल दिया बेटा, 13 में से मैंने एक चैम्बर को बाहर निकाल दिया, ये दिख रहा है एक चैम्बर। अब इस एक चैम्बर के बारे में आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है? एवरी चैम्बर ऑफ हार्ट बेटा, ठीक है ना, जो भी चैम्बर आप लोगे, पहला लो या लास्ट वाला लो, हर चैम्बर ऑफ हार्ट के अंदर बेटा आपको दो ओपनिंग्स मिलती है, दिख रहा है? ऊपर से एक ओपनिंग और एंटीरियर साइड से एक ओपनिंग और इन ओपनिंग्स को हम नाम देते हैं ऑस्टिया बेटा। क्या नाम देते हैं? ये हो गया एंटीरियर ऑस्टिया और ये हो गया। अब इनमें एक बड़ा डिफरेंस है बेटा, ये जरा ध्यान से नजर रखना। जब इस बंदे का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। ये सुनना प्लीज ध्यान से, पंप जब भी हार्ट कॉकरोच का ब्लड पंप करता है ना, हार्ट कॉकरोच का जब भी ब्लड पंप करता है, पंपिंग के थ्रू जो ब्लड बाहर आता है ना, वो हमेशा बाहर कहां से आता है? जल्दी एंटीरियर ऑस्टिया से बाहर आता है। लेकिन जब बाहर आके बेटा जमा होगा तो कहां जमा होगा? जल्दी जल्दी शिवाय, कहां जमा होगा? सीलोम में। किस सीलोम में? हीमोसील में। फिर ब्लड को वापस लाना है ना बेटा, तो वापस लाने के लिए बेटा हमेशा कौन यूज किया जाता है? नहीं समझ आ रहा है? तो मतलब नजर को ध्यान से, नजर को ध्यान से बेटा, मतलब जब भी ब्लड बाहर आएगा तो ऐसे बाहर आएगा, इस डायरेक्शन से बाहर आएगा, पूरे एरिया को फिल करेगा और फिर वापस इस डायरेक्शन से एंटर करेगा, समझ आया ना? तो अगर इस 13 चैंबर को आप एक चैंबर मानोगे, तो यहां एक पोर होगा और यहां इधर से ब्लड किसके बाद? कॉन्ट्रेक्शन के बाद। और इधर से ब्लड किसके बाद? रिलैक्सेशन के बाद बेटा। नहीं समझ आया? तो ब्लड की मूवमेंट क्या है बेटा? हार्ट टू जल्दी हीमोसील और हीमोसील टू हार्ट, ये ऐसे मूव करता रहता है, समझ आया ना? लेकिन आप सबको पता है बेटा कि हर नॉन कॉर्डेट का हार्ट हमारे हार्ट जैसा, ये एक्चुअल में मॉडिफाइड, चलिए मॉडिफाइड ब्लड बताया ना मैंने लास्ट क्लास में। सो अगर ये पूरा हार्ट मॉडिफाइड ब्लड वेसल है, तो इसका कॉन्ट्रेक्शन का पावर खुद का होगा क्या? नहीं होगा बेटा, बिकॉज हमारा हार्ट मस्कुलर है इसलिए वो खुद कॉन्ट्रेक्ट करता है, वो मायोजेनिक हार्ट है इसलिए वो खुद कॉन्ट्रेक्ट करता है, लेकिन इनका थोड़ी मायोजेनिक है बेटा। नहीं समझ आ रहा है? मैंने आपको बताया ना मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट, इनका हार्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, हमारा हार्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, इनकी कॉन्ट्रेक्शन नर्वस सिस्टम की वजह से होती है हमारी। सो दैट मीन जब भी ये छोटे छोटे चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे वो अपनी मर्जी से, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए अल्लाह ने इनको क्या दी? स्पेशल मसल्स दी बेटा, जो आपको ये दिख रहे, दिख रहे ना ये मसल साइड में जुड़ी हुई है व्हाइट कलर में, दिख रहे भाई? दीज मसल्स आर कॉल्ड एज एलियरी मसल्स बेटा, आई डाल देना एलियरी मसल्स बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? शबाश। तो
तो हर चैंबर ऑफ हार्ट के साथ क्या जुड़ी रहती है, पियर ऑफ एरिडी मसल, पियर है ना, 1 and 2 बेटा। और इस पियर का काम क्या होता है, हार्ट को रिलैक्स कराना और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना बेटा, समझ आया। चलिए ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इधर मैं लिख भी देता हूं, यहां पे क्या है शबाज, हीमोफीलिया बेटा, और ये क्या हो गया शबाज, जल्दी जल्दी ये क्या हो गया शबाज, ये चैंबर्स ऑफ हार्ट हो गया। सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, डन, इतना ही इसमें, समझ आया। एक बार रिपीट कर दो फटाफट से मेरे लिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आपने क्या याद रखा, ओपन क्लोज सीलोम नॉर्मल एक ब्लड फील्ड है, ब्लड फील्ड सीलोम इज कॉल्ड एज, ब्लड नॉर्मल है कि उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, क्या है बेटा, विदाउट आरबीसी प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में है हीमोग्लोबिन, इसलिए क्या बोला हीमोलिम्फ बोला। हार्ट चैम्बर्ड है कि नॉन चैम्बर्ड है, कितने चैम्बर्स है, 13 चैम्बर्स, ठीक है। थोरेसिक में भी चैम्बर पाए जाते हैं, एब्डोमिन में भी चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन हेड में कोई चैम्बर नहीं, ये याद रहा। फिर हेड को कैसे ब्लड मिलेगा, थ्रू आर्टरियोल्स एंड थ्रू वेन्यूल्स बेटा, लेकिन वहां कोई चैम्बर नहीं, तो दैट मींस के थोरेसिक में कितने चैम्बर होंगे, 3, और एब्डोमिन में कितने होंगे, 10 होंगे बेटा, समझ आया ना। चलिए हर चैम्बर के अंदर दो ओपनिंग्स है बेटा, एंटीरियर एंड दीज आर कॉल्ड एज पोस्टीरियर का काम है, पोस्टीरियर का काम है ब्लड को अंदर लाना, और एंटीरियर का काम है, ये समझ आया ना, ये बेटा इतना याद रखना। अच्छा यहाँ पे और एक चीज मेरे को कहनी थी, ये वाली, ये जरा नजर रखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट चैम्बर दिख रहा है ना हार्ट का बेटा, इस फर्स्ट चैम्बर में अगर आप कंपेयर करो ना चैम्बर 1 को चैम्बर 2 के साथ, चैम्बर 1 का एक्सटेंशन छोटा है, चैम्बर 2 का एक्सटेंशन छोटा है, लेकिन चैम्बर 1 का एक लंबा एक्सटेंशन दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको हम नाम देते एंटीरियर, एंटीरियर आयोटा बेटा, ऑल्दो आयोटा नहीं है बट पता नहीं किसने नाम दे दिया इसको, एंटीरियर आयोटा बोला जाता है। सो ये हो गया खत्म आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव भी खत्म, सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म, आगे बढ़े, पढ़ लो जल्दी जल्दी। पहला ही क्या बेटा, ओपन ब्लड वेसल्स आर पोअरली, यहाँ पे पोअरली डेवलपमेंट किसके बारे में लिखा गया है, कैपिलरीज के बारे में बेटा, समझ आ रहा है, सब कुछ है बट कैपिलरीज नहीं है बेटा। एंड ओपन इन टू स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स, क्लियर है ना, ओपन सर्कुलेशन का करेक्टर बेटा, ब्लड हमेशा ऑर्गन्स को क्या करता है, बात करता है, ठीक है ना। ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिफ बोलते हैं, द हीमोलिफ इज कंपोज्ड ऑफ एंड हीमोसाइट्स बेटा। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, लाइन थोरेसिक एंड एब्डोमेन, थोरेसिक में 3 और एब्डोमेन में 10 बेटा। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैंबर्स बेटा, जिसके क्या होती है, ओपनिंग्स होती है, ठीक है ना, ऑन ईदर साइड इट, अच्छा सॉरी, फनल शेप्ड चैंबर्स विद ऑस्टिया ऑन, नीचे भी एक ओपनिंग और ऊपर भी एक ओपनिंग बेटा, ठीक है ना। ब्लड फ्रॉम एंटर्स इनटू द, एंटर्स इनटू द शबाश हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज डन, क्लियर हुआ। ये लाइन को जरा ध्यान से पढ़ लो आप, ठीक है ना, इस लाइन को एक बार पढ़ो, क्या लिखा, ब्लड फ्रॉम एंटर्स द हार्ट थ्रू, लेकिन कौन सा, फिर आगे, अब हमको कैसे पता है पोस्टीरियर बेटा, आगे लाइन इसको कंप्लीट करते हैं, एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू, मतलब आगे वाला जो पॉइंट है बेटा वहां से साइनस में ब्लड वापस आता है, लेकिन एंटर कहां से करता है, पीछे वाले साइनस से बेटा, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमी में, हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ शबाज किसका, कॉकरोच। अब जरा नजर रखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो आप याद रखोगे वो ये है बेटा, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज, पढ़ाया मैंने बेटा, इज कॉल्ड एज, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लिखे थे ना अलग अलग फाइलम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वहां पर हमने आर्थ्रोपोडा में क्या लिखा था बेटा, ट्राइकेल सिस्टम लिखा था, बुक लंग्स लिखा था, बुक गिल्स लिखा था, याद है ना बेटा, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने इंसेक्ट के लिए क्या लिखा था, ट्राइकेल सिस्टम, समझाया ना, कॉकरोच क्या है बेटा, इंसेक्ट है, तो इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम क्या आएगा, ट्राइकेल सिस्टम, ये क्लियर है। अब ये ट्राइकेल सिस्टम जो होता है ये मेजरली 3 चीजों का बना होता है, कितनी चीजों का, जल्दी जल्दी कितनी चीजों का, ये हो गया पार्ट नंबर 1 बेटा, ये दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया पार्ट नंबर 1, ठीक है, ये दोनों बेटा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 2 बेटा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है भाई, और फिर इसके आगे जाके डिविजन्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, इसी के बहुत सारे डिविजन्स है, ठीक है। ये जो पहला वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकी, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारी ट्राइकी है ना वैसे ये भी ट्राइकी है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकी बेटा, इसमें प्रॉपर कार्टिजिनस स्ट्रक्चर होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। ट्राइकी का काम क्या होता है बेटा, ये बाहर एटमॉस्फेयर से हवा को क्या करती है, कैसे कैसे पढ़ाया ना मैंने बेटा, एटमॉस्फेयर से जब भी आप लंग में हवा ले जाना चाहते हो या लंग से हवा जब भी एटमॉस्फेयर में देना चाहते हो तो क्या जनरेट करना है, प्रेशर ग्रेडियंट बेटा, अरे समझ आया ना, लेकिन जरा नजर रखो ध्यान से, लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट बेटा हमेशा तो इनको नहीं चाहिए ना, देखिए इनको कभी ऑक्सीजन चाहिए कभी, तो कब चाहिए और कब नहीं चाहिए बेटा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस ओपनिंग बेटा, यहां दिख रहा है ये ओपनिंग बेटा, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं स्पाइरिकल, क्या नाम देते हैं, इधर ले आता हूं,
ये जो आपको यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है ऊपर वाली दिस वन, ठीक है, सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ए स्पाइरिकल बिट, क्या बोलते हैं इसको, याद रहेगा। और इस ओपनिंग के ऊपर बेटा अल्लाह ने इनको एक स्फिंक्टर दिया बेटा, ये दिख रहा है यहाँ पे अलग कलर में यहाँ पे कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्पाइरिक्यूलर स्फिंक्टर बेटा, स्पाइरिक्यूलर स्फिंक्टर बेटा। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी पता चलेगी, सो दिस इज कॉल्ड ए स्पाइरिक्यूलर स्फिंक्टर, समझ आया। तो मतलब कॉकरोच तभी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर खींच सकता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को तभी, समझ आया, यहां से O2 बेटा तभी अंदर जाएगा या यहां से बेटा CO2 तभी बाहर आएगा, जब कौन खुलेगा, जल्दी जल्दी, जब कौन खुलेगा, स्पाइरिक्यूलर, समझ आया ना बेटा। अब ये कब खुलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कॉकरोच रुका हुआ है कि कॉकरोच चल रहा है बेटा। अब देखो ये बड़ा डिफरेंस है कॉकरोच और हमें, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो बेटा, हम तब भी सांस, सो रहे हो, जग रहे हो, मतलब जो भी तुम कुछ करते हो ना, आपकी सांस तो चलती रहती है ना, लेकिन कॉकरोच बेचारे के साथ ऐसा, कॉकरोच तभी सांस लेता है जब वो मुंह करता है बेटा, अरे समझ आया ना, कॉकरोच तब सांस रोक लेता है या सांस नहीं लेता जब कॉकरोच एक जगह, बात समझ आया ना। अब ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए है बिकॉज आपको मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, कॉकरोच की बॉडी में दो प्लेट्स होते हैं, ऊपर एक प्लेट और नीचे एक प्लेट, याद है कुछ, दर्जा एंड सरना, याद आया। और फिर इन प्लेट्स को बेटा आपस में जोड़ने का काम एक स्पेशल मेम्ब्रेन करता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता था, जिस मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया था, आर्थ्रो, जल्दी जल्दी शिबाश, आर्थ्रोडियल, याद आया कुछ। अब ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो कॉकरोच का होता है ना, इसी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के अंदर अल्लाह ने छोटे छोटे पोर्स रखे बेटा, ठीक है, इसी मेम्ब्रेन के अंदर अल्लाह ने छोटे छोटे पोर्स रखे, जिन पोर्स को हम क्या नाम देते हैं शिबाश, विच आर कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स बेटा, नहीं समझ आ रहा। तो मतलब जब कॉकरोच एक जगह रुका हुआ है बेटा, तो उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, जब उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा तो दो प्लेट्स में कोई मूवमेंट, जब दो प्लेट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है तो उस समय उसकी स्पाइरिकुलर स्फिंक्टर क्या रहती है, नहीं समझ आ रहा है। तो जब ये बंद रहेगी बेटा, ना ऑक्सीजन और ना कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जैसे कॉकरोच को अंदर से फील होगा कि मेरी हीमोलिफ के अंदर CO2 की लेवल क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, तो वो अपनी बॉडी का क्या करेगा, जल्दी जल्दी शिबाश, मूवमेंट करेगा। और जब बॉडी की मूवमेंट होती है तो प्लेट्स क्या करते हैं बेटा, और जब प्लेट मूव करते हैं तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन में जो पोर्स है ना, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगा ना, तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो पोर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली बेटा प्रेशर ग्रेडियंट या डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से O2 अंदर जाती है, CO2 क्या आता है बाहर आता है, समझ आया मैंने क्या बोला। अब कॉकरोच में स्पेरिकल्स कितनी है बेटा टोटल, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, कॉकरोच के अंदर स्पेरिकल जो है, इसको मैं इधर एड कर देता हूं, पहले आप मेरे को बताओ थोरेसिक में कितने सेगमेंट्स थे, जल्दी जल्दी थोरेसिक में कितने सेगमेंट्स थे, तीन में से पहले वाले सेगमेंट को माइनस कर दो बेटा, बचे कितने, कौन कौन सा, मेसोथोरेसिक एंड, तो मेसोथोरेसिक में भी पेयर ऑफ स्पेरिकल होता है, मेटाथोरेसिक में भी पेयर ऑफ स्पेरिकल होता है, तो टोटल कितने हो गए, टू, चार हो गए, वेरी गुड, लेकिन मैं लिखूंगा यहां पे टू पेयर्स बेटा, नहीं समझ आ रहा है। प्रोथोरेसिक में कोई स्पेरिकल नहीं होता है, हेड में कोई स्पेरिकल नहीं होता है, समझ आया ना। तो फिर स्पेरिकल का होना कहां से शुरू होता है, मेसोथोरेसिक मेटाथोरेसिक, नहीं समझ आया। और बाकी जो 10 बचे बेटा वो कहां पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल सेगमेंट्स, एब्डोमिनल स्पेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ एक चीज याद रहो, ये गलती हो गया, ये ठीक है बराबर, ठीक है, 10 में नहीं होगा खाली, पहले 8 में होगा बेटा, ठीक है, जो फर्स्ट ए होंगे ना, A1 से लेकर शबाश A8, वहां पे स्पेरिकल्स होते हैं बाकी में, तो टोटल कितने हो गए फिर, 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स हो गए बेटा, ये क्लियर हुआ। तो टोटल स्पेरिकल्स कितने होते हैं, 10, जिसमें से मेसोथोरेसिक मेटाथोरेसिक, फिर A1 से लेकर A, बाकी जगह पे स्पेरिकल्स देखने को नहीं मिलती, यहां तो क्लियर हुआ। अब यही रीजन है बेटा, सुनना ध्यान से, यही रीजन है बेटा कि कॉकरोच का हेड अगर आप काटोगे, हेड में अभी तक आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा, आंख देखी, एंटीना देखा, और खाने के लिए क्या देखा, बाइटिंग एंड, इसके अलावा कुछ देखा क्या, हार्ट भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट होगा, मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बाकी मेजर नर्वस सिस्टम कहां है, बॉडी में बेटा। अगर आप इसका हेड काटोगे ना, तो ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक इसके क्रॉप में क्या रहेगा, समझ आया ना, अगर इसने बहुत ज्यादा खाना खाया था मरने से पहले तो 11 दिन रहेगा, थोड़ा सा बेचारे ने खाया था तो मिनिमम 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन रह सकता, डिपेंडिंग अपॉन कि क्रॉप में कितना खाना, बात समझ आया। आपकी गर्दन काटेंगे तो उधर ही खत्म हो जाए ना, बिकॉज हमारी बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम कहां से जुड़ा हुआ है, हेड से ही जुड़ा हुआ, तो हम ज्यादा जिंदा, बात समझ, लेकिन ये बंदा हफ्ते या 11 दिन बिना हेड के क्या कर सकता है, अगर इन दिनों डॉक्टर मिला तो वापस आएगा, ये समझ आया ना। अब जरा नजर रखिए ध्यान से, जैसे ही ट्राई किया से बेटा ऑक्सीजन अंदर आएगा तो कहां जाएगा, चाहे इन ब्रांच में, इन ब्रांच को हम नाम देते हैं ट्राइकियोल्स बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं शबाश, और ट्राइक्यूल्स क्या होती है, ब्रांच और अनब्रांच बेटा, जल्दी जल्दी, ब्रांच और अनब्रांच, और ये हर ब्रांच जो बीच में दिख रही है ना, ये अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाती है, एलिवेलाई का काम करती है, मान के चलो जैसे ये पूरे सीलोम के अंदर फैलेगी बेटा, ये जरा नजर को ध्यान से, ये मान के चलो इधर का स्पेरिकल है, इधर का ट्राइकिया है, और इधर के ट्राइक्यूल्स है, ये इधर का स्पेरिकल, इधर का ट्राइकिया, एंड ये समझ रहे हो ना, जब ये सारे अंदर बॉडी में आएंगे तो सीलोम में जाएंगे ना, तो सीलोम के अंदर सारी स्पेरिकल जुड़ती है आपस में ऐसे बेटा, हेड टू हेड ऐसे जुड़ती है, इधर की स्पेरिकल और
और क्या करती है, ब्रांचिंग करती है, और ब्रांचिंग थिन होती है बेटा, और इसी थिन ब्रांचिंग से फिर ब्लड के साथ क्या चलता है, डिफ्यूजन चलता है। नहीं समझ आ रहा है, इधर ये सीलो में ना इधर बेटा, इसमें क्या है, जल्दी जल्दी हीमोलिफ है बेटा, मान के चलो इस हीमोलिफ में CO2 क्या हो चुका है, O2 क्या हो चुका है, जब ये बंदा सांस लेगा बेटा इधर से तो इसके पास O2 क्या होगा, ज्यादा, CO2 क्या होगा, अब यहां डिफ्यूजन नहीं हो सकता बिकॉज थिक है, यहां डिफ्यूजन नहीं हो सकता, यहां डिफ्यूजन, लेकिन ये वाले पार्ट्स क्या होते हैं, थिन होते हैं, यहां O2 अगर ज्यादा है बेटा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा किसके साथ, CO2 के साथ बेटा। नहीं समझ आया, सो दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। डैश सिस्टम समझ आया, सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आया, रेस्पिरेटरी समझ आया, तो फटाफट से पहले मेरे को बताओ रेस्पिरेटरी में आपने क्या याद रखा, जल्दी जल्दी। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्राइकियल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स बेटा, क्या क्या, स्पेरिकल, ट्राइकिया एंड ट्राइकियोल्स। स्पेरिकल्स आर ओपन और क्लोज बेटा, क्लोज बाय स्फिंक्टर्स कॉल्ड एज विच ओपन व्हेन कॉकरोच मूव्स विच रिमेन्स क्लोज व्हेन कॉकरोच इज एट रेस्ट बेटा, समझ आया ना। और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन चलता है बाय द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन बेटा, अगर O2 ज्यादा है तो अंदर आएगा, अगर CO2 ज्यादा है तो अंदर आएगा, अगर O2 अंदर ज्यादा है तो बाहर जाएगा, अगर O2 अंदर कम है तो अंदर आएगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे क्या चलता है, प्रेशर ग्रेडियंट चलता है बेटा, समझ आया ना। अब प्रेशर ग्रेडियंट को रोकने का काम स्फिंक्टर करता है, और स्फिंक्टर को डायलेट करने का काम बॉडी की मूवमेंट्स करते हैं। ओवरऑल बेटा कितने स्फेरिकल्स है, 10 पेयर्स बेटा, 2 थोरैसिक में, 8 एब्डोमेन में बेटा। आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ, ये कहते ये आपको यहाँ पे वो पूरा पिक्चर दिख रहा है बेटा, पढ़ लो फटाफट, सारी इंपॉर्टेंट है सब याद रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्सेप्ट नेटवर्क ऑफ ट्राइकिया, एक ट्राइकिया होगा कि 10 होंगी, एक, अरे 10 होंगी ना इसलिए नेटवर्क लिखा है बेटा, एक होंगी कि 10 होंगी, एक स्पेरिकल होंगे कि 10 होंगे, बात समझ रहे हो, इसलिए नेटवर्क लिखा है बेटा, बहुत सारी होंगी, ठीक है ना। ट्राइकिया दैट ओपन थ्रू, जल्दी जल्दी, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ, 2 कहां पे, थोरैसिक में, 8 कहां पे, ये क्लियर है ना बेटा, ठीक है ना, जिनको हम स्पेरिकल्स प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड्स ऑफ, लैटरल साइड्स में कहां पे, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन में बेटा, याद आ रहा कुछ। चल नेक्स्ट, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड इनटू, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द, द ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज ऑफ गैस प्लेस टेक्स प्लेस टू ट्राइकल्स बाय, अब आते हैं लास्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, वैसे लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैंने आपको ऑलरेडी बोला बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मालफेजन, जरा नजर को ध्यान से बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मालफेजन।